जी नमस्ते, राम राम। किसे हो भाई सब? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइयो। और फ्रेंड्स, मैं कविता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कवि दी फैमिली व्लॉग्स पर। सो फ्रेंड्स, आज तो मैं बैठी हूँ कति तसल्ली, तो इस मारी फिर मैं सोचे कि चलो भाई क्यों ना आज आपते थोड़ी सी बात कर ली हूँ और भी कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, बस अभी मेरा सुबह का मॉर्निंग का काम हो चुका है। और फ्रेंड्स, अभी आज है तारीख 9 जुलाई 2021 और अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 9:15 का। सो फ्रेंड्स, अभी से मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और दिन है आज का शुक्रवार। तो फ्रेंड्स, क्या है कि अभी बस जैसा कि आज 9 जुलाई है, तो आज है ना अमावस थी, तो सुबह आज फिर वही है कि मुझे जल्दी जल्दी उठ के सारा काम करना था। तो बस सुबह फिर उठ के और जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करके और फिर नहाना धोना करके बर्तन वगैरह किए, फिर उसकी मतलब की तैयारी की, पूजा की, और बस उसके बाद में ना हाथ बिहान के पापा के साथ साथ में ना फिर बिहान भी जल्दी जल्दी नहा लिया, क्योंकि क्या है ना बिहान को तो बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। मतलब कि जैसे मैंने कहा ना, बेटा आज तो ना पितर बाबा की जजे करनी है, तो बहुत ही खुश हो गया, बोले मुझे भी नहाना है। तो फ्रेंड्स, बस अभी वही है कि फिर सुबह जोश की तैयारी की और फिर बस अभी जोश की है बिहान ने और बिहान के पापा ने है ना गुड्डू, और पसीना देखो बिहान। और फ्रेंड्स, अभी ना मतलब कि है ना आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं, तो क्या बोलते हैं अभी उसमें ना सीटी लग रही है, क्योंकि मैंने सोचा कि ना आलू टमाटर की सब्जी बना लेती हूँ और चावल बना लिए हैं और रोटी बनाऊँगी। तो बस अभी आटा लगा के अभी आई हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना लेती हूँ। और ये देखो, ये भी हाँ ऐसे मुझे परेशान करता है। तो फ्रेंड्स, बस अभी है ना मतलब कि नहाना धोना वगैरह भी सब हो गया था, तो फिर इसलिए मैं सोचा कि मशीन में कपड़े भी डाल देती हूँ तो वो भी हो जाएगा, और साथ के साथ में फिर मतलब खाने का भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ना मुझे ना सुबह से आज काफ़ी वीकनेस सी लग रही है, क्योंकि मतलब कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मतलब कि अजीब सा ना तो बारिश ही हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी क्या है ना कि अभी देखो छिट्टी आ रही है, आपको शायद सुनाई आ रही होगी, तब मैं बंद करके आ जाती हूँ, हो गई है छिट्टी, चल मैं बंद करके आती, फिर उसके बाद में बात करती हूँ। ये देखो ये हमारा बिहान ना खुद ही सारे काम कर देता है, मैं आती हूँ तब तक तो भाग भाग के ना खुद ही आ जाता है बंदर की तरह, है ना बंदर। तो फ्रेंड्स, गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और फ्रेंड्स, ये देखो ये क्या क्या करते रहता है सारे दिन। मतलब मैं तो हमेशा ये चीज़ सोचती हूँ, इन्हें सारी चीज़ें तोड़ दी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कुकर था जो मम्मी वाला कुकर था, वो इसने सारा ख़राब कर दिया, फिर मैंने नया वाला निकाला, उसकी भी इसने हालत बिल्कुल ख़राब कर रखी है। और ना कोई भी चीज़ खेलने के लिए देंगे ना तो उससे नहीं खेलेगा, बोलेगा मैं तो उससे ही खेलूँगी। और जैसा कि एक मेरे को सजेशन दिया था ना, इसके लिए वो सेट ला देंगे, वो सेट भी ला देंगे ना फ्रेंड्स, तो भी मुझे पता है कि है ना उनको ही मतलब कि उनको नहीं छोड़ने वाला है बिल्कुल भी। और इसने ऐसे ही ना, ये देखो एक मुड्डी तो ये सही है और एक मुड्डी इसने ना पूरी ख़राब कर दी है, अभी हाँ पूरी पूरी तोड़ दी, बहुत ही ज़्यादा। तो वही है फ्रेंड्स, अभी ना बिल्कुल भी सही सा नहीं लग रहा था मेरे को, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज आपसे बात कर लेती हूँ थोड़ी। तो फ्रेंड्स, क्या है ना कि जब भी काफ़ी साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे गांव में रहते हुए, हालांकि मुझे अच्छा लगता है गांव में रहना भी, बट वही है कि कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मुझे थोड़ी पसंद कम आती हैं गांव की, और कंपेरेटिवली मतलब वो चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद थी सिटी में। बट ठीक है, अभी वही है कि रहना है तो कोई नहीं, इतना वो नहीं रहता है, चलो ठीक है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं बेटा, इसको नहीं करो, नहीं बेटा ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं करो, चलो बंद कर दिया, ठीक है मम्मा ने बंद कर दिया, बस नहीं ऐसा नहीं करो, चलो इस साइड आओ, इस साइड आओ, हाँ इसको आप नीचे रखो, इसको नीचे रख दो बेटा, गिरे आप गिर जाओगे इसके ऊपर से, नीचे रख दो इसको, हाँ नीचे रख दो इसको, रखो नीचे, यहाँ नहीं बेटा गिर जाओगे आप, विहान देख लो इसको, और ये गिर जाएगा फिर ऐसे, ये है और ये गिर जाएगा, मानता नहीं है बिल्कुल भी बात। तो फ्रेंड्स, क्या है ना कि गांव में मुझे मतलब कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लगती है ना, वो ये लगती है कि लोगों की मेंटेलिटी किस टाइप में होती है ना, कि कोई कुछ भी करता है ना उसमें मतलब कि ज़रूर मतलब टांग अड़ानी है, मतलब
बहुत मतलब ऐसा है कि थोड़ा मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। सो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ ना गांव की, तो गांव में मुझे जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगती है ना वो ये लगती है कि बहुत ज़्यादा ही बाउंडेशंस होते हैं। मतलब कि अभी तो चलो फिर भी बहुत टाइम बदल गया है। नहीं बेटा इसके साथ नहीं करो, करंट आ जाता बेटा इसमें। तो क्या है ना कि अभी तो फिर भी बहुत कुछ बदलाव आ गया है फ्रेंड्स, बट काफ़ी सारे फिर भी बाउंडेशंस है। मतलब कि बोल सकते हैं कि कुछ भी करने पे भी इतना मतलब 10 बार सोचना पड़ता है ना आदमी को कि ये काम करे या नहीं करे। और मतलब कि ऐसा है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते लोग। कैसा है ना कि सिटी में फिर भी लोग ना उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं उस चीज़ों को कि मतलब कोई अपना काम कर रहा है तो उसको ना पॉजिटिव वे में लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा अलग है। जैसे मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाती हूँ ना, तो वो भी मतलब कि ना काफ़ी लोगों को वो भी बात हजम नहीं होती है। मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा ना मतलब थोड़ा डिफरेंट माहौल है, मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पे। तो बस मुझे यही चीज़ थोड़ी सी ना सही नहीं लगती है फ्रेंड्स। बट बाकी तो चलो ठीक है, अभी रह रही हूँ तो आदत हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एक टाइम ऐसा भी था कि मुझे ना बिल्कुल भी गांव बिल्कुल, तो फ्रेंड्स एक टाइम मतलब ऐसा भी था ना कि मुझे गांव में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आपको बताऊँ सीरियसली, जब मैं मम्मी के साथ में आती थी ना तो पहले ही रास्ते में ही बोलती थी मम्मी रिटर्न कब चलेंगे यहाँ से, मतलब इतना ज़्यादा वो था। लेकिन अभी मैं देखो गांव में रहती हूँ, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं गांव में कभी रहूँगी। क्योंकि मेरे फादर ने सबसे पहली जो चीज़ देखी थी ना मेरी शादी के टाइम पे, वो यही देखी थी कि ना ये लोग सिटी में रहते हैं और मेरी लड़की भी सिटी में रही है, तो इसको ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज इसको गाँव में रहना पसंद नहीं है। बट देखिए किस्मत कभी भी पलट सकती है फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। और मैं अभी बस गाँव में आ गई हूँ तो क्या बोल सकते हैं, चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी क्या है ना कि हाँ मैंने ना अपना एक येलो साड़ी का कलेक्शन फ्रेंड्स शेयर किया है, तो उसकी जो वीडियो है वो आज मतलब 9 तारीख को मैं अपलोड करूँगी शाम को 7 बजे। तो वो वीडियो आप देखिएगा, और उसमें मैंने अपने ना येलो साड़ी के काफ़ी सारे शेड्स मतलब कि आपके साथ में शेयर किए हैं। बट मतलब कि एक साड़ी उसमें से मतलब कि रह गई मेरी, तो मैंने सोचा कि वो भी आपको मैं दिखाऊँ। वो तो मेरे दिमाग में ही नहीं रही, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सो फ्रेंड्स एक उसमें ना येलो कलर की साड़ी जो मेरी रिमेनिंग रह गई थी ना, फिर मुझे बाद में ध्यान आया यार मेरे पास तो एक और येलो साड़ी थी, मैंने वो तो शेयर की ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इसमें आपको शेयर कर दूँगी। तो ये वीडियो जाएगा कल शाम को 7 बजे, क्योंकि मैं डेली या तो डेली हो पाता तो डेली कर देती हूँ, अदरवाइज़ तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि वो वीडियो आ जाएगा तो आप वो देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वाला शेड सबसे ज़्यादा आपको पसंद भी आया, कमेंट वो भी करिएगा। और भी किसी प्रॉपर कलर में अगर कोई कलेक्शन देखना चाहते हैं मेरा साड़ियों में, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो जिससे कि मैं आपके लिए और मतलब वीडियोस बनाऊँ। और प्लीज़ किस टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊँ प्लीज़ इस मुझे ना कुछ सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं दिखाती हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरी एक और येलो कलर की साड़ी है, तो ये वाली मैंने आपके साथ में शेयर नहीं की थी। तो ये ना इस ऐसे इसमें है, तो ये 2 शेड में है मतलब कि, तो ये नीचे से इस तरीके से है और ये पूरी बाकी येलो है, बट ये येलो ही है। तो ये वाली मैंने आपके साथ में शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बता देती हूँ ये वाली भी। तो फ्रेंड्स अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मशीन बंद हो गई है, तो पहले मैं मशीन का पानी चेंज करके आ जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो धूप ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है फ्रेंड्स। बस अभी वही है, पानी बदल देती हूँ। बहुत ज़्यादा इतनी सुबह सुबह इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है, और सारी निम्बोलियाँ तो देखो निम्बोली पूरे पेड़ में देखो क्या। और ये देखो विहान ना पीछे पीछे ही आ जाता है, ये देखो रुको चलो तो। हाँ चलो 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 हो गया, चलो 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 बस नहीं नहीं चलो चलो चलो। तो फ्रेंड्स ये विहान है ऐसे ही मस्ती करता रहता है, क्या करता है इसका। तो ये देखो अलमारी को मेरे खोल के चला गया है, पूरी अलमारी खोल दिया है,
और ये ना मैंने उस दिन कुछ तो अलमारी मैंने सी कुछ तो अलमारी मैंने उस दिन पूरे मतलब साड़ियाँ वगैरह निकाल के और कुछ तो मैंने जचा दी थी। और ये देखो बिहान ने अभी निकाल के और ये कैसेट से देखो रख दिया निकाल के। अभी अलमारी खोली थी साड़ी दिखाने के लिए आपको, तो ये देखो ये पूरी निकाल दी, मेरी शादी की कैसेट है ये। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं अपनी शादी की एल्बम आपके साथ में शेयर करूँगी प्लीज़, लेकिन मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं ज़रूर करूँगी आपके साथ में अपनी शादी की जो एल्बम है। सो फ्रेंड्स क्या है ना कि अभी देखो ये फिर से चढ़ गया, ये देखो ये बंदा बन गया। नीचे उतर बेटा, ना ना बेटा, ना ना ना, फिर से बोलना, इधर दिखाना, तसल्ली तो रख लूँ। तुम बोल रहे हैं फ्रेंड्स की तसल्ली तो रख लो, इतनी बातें करने लग गया ये, बस पूछो ही मत। तो फ्रेंड्स बस अभी वही है कि करूँगी अपना सिंपल सा काम। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ना अभी मतलब कि बस अभी आज की 9 तारीख है, तो जल्दी ही मतलब कि ना बिहान की दादी आने वाली हैं घर पे, उसके दादू आने वाले हैं, तो मतलब कि जो मम्मी हैं वो आने वाली हैं घर पे, तो बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद मतलब मम्मी मतलब आ रही हैं, तो बहुत ही खुशी हुई है। और बिहान तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है हमारा, तो पापा छोड़ने के लिए आएंगे मम्मी को और फिर मम्मी आ जाएंगी यहाँ पे। तो बस अभी 11 तारीख की मम्मी की टिकट है, तो मम्मी 12 तारीख को यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स हमें। तो मैं भी शायद मतलब जब मम्मी आ जाएगी उसके बाद में फिर मैं उनके साथ में भी कोशिश करूँगी व्लॉग्स डालने की, क्योंकि क्या है ना कि मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ के बारे में अभी तक उनको मैंने बताया नहीं है, उनको नहीं पता है, बाकी फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी लोगों को पता है मेरे, बट उनको नहीं पता है। सो देखते हैं जब मैं उनको बताऊंगी उनका क्या रिएक्शन होगा और किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, तो ज़रूर आपके साथ में शेयर करूंगी। और मुझे कमेंट करके बताना कि मैं उनको बता दूं जल्दी से कि नहीं बताऊं, मुझे ये भी बताना क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। सो ये देखो ये देखो ये देखो ये आप क्या कर रहे हो, ये क्या लगा रहे हो आप, ये क्या आप दूल्हा बन रहे हो, ये आप दूल्हा बन रहे हो, देख लो सारे, देख लो सारी चीज़ें देख लो, ये देखो बकेट लेके आ गया है, ये देखो ये पूरी ऐसी चीज़ें सारी करते रहता है, नाश करते रहता है। इसने देखो ये भी तोड़ दिया है मेरा, ये देखो इसने खींच खींच के तोड़ दिया है, ये पूरा ड्रॉर खाली कर दिया, देख लो सारी चीज़ें निकाल निकाल के डाल दी, देख लो ऐसा ही सारे दिन ये मेरा ना काम बढ़ाते रहता है सारे दिन। तो हाँ चलो चलो आओ, चलो विहान एक चीज़ शेयर करेंगे, आ जाओ देखो अभी विहान ने निकाल लिया ड्रॉर से, आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो एक मिनट मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, तो फ्रेंड्स अभी देखो विहान पूरा ड्रॉर खाली कर रहा है ना, ये देखो तो ये ना ड्रॉर में रखी थी, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही स्पेशल सी चीज़। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये एक्चुअली विहान के दादी ने उसके फर्स्ट बर्थडे पे मतलब कि ये तागड़ी है विहान की, जो विहान ने अभी तक पहनी नहीं है क्योंकि उसे आती नहीं थी, बट इसको होपफुली अभी मम्मी आ जाएगी ना उसके बाद में मैं कोशिश करूँगी इसको पहनाने की, क्योंकि ये मम्मी ने विहान के फर्स्ट बर्थडे के लिए बनवाई थी, तो मतलब कि सिर्फ विहान के लिए नहीं हमारा जो मयंक है उसके लिए भी और जो दीदी का लड़का है उसके लिए भी, तो तीनों भाइयों के लिए मतलब फर्स्ट बर्थडे का मतलब गिफ्ट करवाया था, तो ये मम्मी अहमदाबाद से ही मतलब कि करवा के लेके आई थी। तो ये इस तरीके से है, तो काफ़ी सिंपल सी है बट अच्छी लगी मुझे, ये कलर में भी थी, मम्मी ने मतलब दिखा दी थी बोले जो पसंद आ रही है ना वो देख लेना, तो फिर मैंने ये सिंपल वाली ली, उसमें कलर थे और ये जैसे कि सिंपल है, तो ये देखो तो ये है विहान की तागड़ी। तो फ्रेंड्स बताना कैसी लगी आपको, क्योंकि वही है कि विहान के फर्स्ट बर्थडे पे भी यहाँ पे मम्मी नहीं थी, सेकंड पे भी नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे सेकंड बर्थडे दोनों ही विहान के ना मतलब कि मम्मी के घर पे बने हैं, यहाँ पे नहीं हुआ। अब आप देखते हैं इस बार का थर्ड जो बर्थडे आएगा वो कहाँ पे बनेगा विहान का, वो नहीं पता है, तो अभी देखेंगे इस साल क्या होता है। बट हाँ ये है कि इस बार तो मम्मी रहेगी क्योंकि मम्मी अभी आने वाली है, तो मम्मी रहने वाली है अभी यहाँ पर। तो सो फ्रेंड्स बस यही था आज के लिए, सो बस अभी वही है कि अभी कर लेती हूँ काम। सो बस ये एक छोटा सा ब्लॉग था, सो
तो फ्रेंड्स बस यही था आज के लिए, तो मुझे यही बताना था आपको। और देखो ये भी अचानक से शेयर कर दी थी मैंने आपको की। सो फ्रेंड्स यही बताना था मुझे कि ना अभी मम्मी आने वाली है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। सो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, और प्लीज़ मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। सो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इस पर वीडियो बनाने की। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक नए वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक बाय।